हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत बंद का समर्थन करते हुए, किसानों का समर्थन करते हुए आज जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है भेंडी बाजार पे जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आई है। साइलेंट प्रोटेस्ट है, टोकन प्रोटेस्ट, टोकन समर्थन बोला जाएगा। रजा एकेडमी के सईद नूरी साहब हैं, इब्राहिम ताई साहब हैं, मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट की तरफ से और सारे लोग हैं यहाँ पर। एक टोकन भेंडी बाज़ार से ताकि दिल्ली तक की आवाज़ जाए कि मुस्लिम भी फार्मर्स की जो किसानों के जो आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं शरीक है, उनको समर्थन करते हैं। बात करते हैं रजा एकेडमी के सईद नूरी साहब से। जी सईद साहब, मुस्लिम लोग सपोर्टिंग फार्मर्स, ये समझ में हमारे ये बात नहीं आती कि ये हुकूमत आवामी हुकूमत है या फिर अरबपति और करोड़पति लोगों की हुकूमत है। हर वो कानून यहाँ पर बनाया जा रहा है कि जो आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, गरीबों के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि अरबपति जो लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है। ये जो किसान आज रोड पर आ गए हैं, तो अगर किसानों को तकलीफ़ हो रही है तो फिर वो कानून बनाने की क्या ज़रूरत है कि जो जिनके फ़ायदे के लिए आप बता रहे हैं कि किसानों के फ़ायदे के लिए है, अपना नफ़ा नुकसान वो समझ रहे हैं कि हमारा इसके अंदर नुकसान है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस कानून को रद्द कर दे। इसके अलावा बिल्कुल ये बात अज़हर मिन शम्स है कि ये कानून अरबपतियों के लिए बनाया जा रहा है और उनके नफ़े के लिए बनाया जा रहा है और किसानों के नुकसान, किसानों को इससे नुकसान होगा जो खुद बता रहे हैं। अभी कल के खबरों में था कि हरियाणा के एक गांव में 1,000 एकड़ ज़मीन जो है वो अडानी ने लिया है और इस तरीके से 9,000 उनके जो है गोडाउन बनेंगे 1,000 एकड़ के, और इन लोगों से, किसानों से अनाज सस्ते भाव में लिया जाएगा और उसकी ज़खीरांदोज़ी होगी और उसके बाद जो अनाज 20 रुपया किलो मिल रहा है वो खुद हमको 60 और 70 रुपये किलो बेचा जाएगा। तो ये बिल्कुल हुकूमत ने ये जो कानून बनाया है, हम इसकी मुखालफत करते हैं और किसानों की हिमायत करते हैं। इस कानून को फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए वरना इससे ज़्यादा हुकूमत को नुकसान पहुँचेगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी का क्या संदेश है किसानों के लिए? मुस्लिम कम्युनिटी का क्या संदेश है किसानों के लिए? मुसलमान और किसी और मज़हब की बात नहीं है, ये कानून गरीबों की लिए नुकसानदेह है, लिहाजा पूरा मुल्क इसकी मुखालफत कर रहा है और मुसलमान भी इसकी मुखालफत कर रहा है और किसानों के साथ खड़ा है। इब्राहिम ताई साहब से बात करते हैं, मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर किसानों को समर्थन का प्रोग्राम आयोजन किया है। इब्राहिम भाई, क्या समर्थन है आपका? किसान जो है हमारे भारत की जान है और जब जान ही नहीं रहेगी तो भारत कैसे रहेगा। हम लोग भारतवासी एक साथ मिलकर रहते हैं और आज जो ये कदम हुकूमत ने उठाया है ये किसानों को बर्बाद करने के लिए उठाया है। और किसान है तो अनाज है, अनाज है तो जान है और जान है तो हिंदुस्तान है। लिहाजा यहाँ पर हम भेंडी बाज़ार में किसानों की हिमायत में धरना दे के बैठे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके, और हम इस गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वो किसानों की बात पर ध्यान दे और किसानों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश ना करें। क्या मैसेज जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्या देश भर में मैसेज जाएगा, किसानों में क्या संदेश जाएगा? देखिए, यह सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये सवाल सबका है। हर इंसान किसान है, हर इंसान के गांव में थोड़ी बहुत उनकी भी खेती बाड़ी है। लिहाजा 90% इंडिया के लोग किसान हैं और सब मिलजुल कर इस ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। इसमें भेंडी बाज़ार क्या तमाम इंडिया के मुसलमान किसान के साथ है। हमारे साथ है सरफराज आरजू साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे भी सीनियर हैं। सरफराज भाई, क्या संदेश भिंडी बाज़ार से जा रहा है किसानों को? भिंडी बाज़ार से पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ये संदेश जा रहा है कि आप
की लड़ाई जो है वो सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, इसमें हर हिंदुस्तानी शरीक है, और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत इसमें जो है हर हिंदुस्तानी को अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। और जो लोग इस ख़तरे को महसूस कर रहे हैं वो आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो धरने की शक्ल में हो, चाहे वो हड़ताल की शक्ल में हो, चाहे वो किसी किस्म के एजिटेशन की शक्ल में हो। और ये अब सरकार के ऊपर लाजिम हो गया है कि वो इतने बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाजात को और इतनी बड़े तादाद में अपने बिलों की मुखालफत करने वालों के जज्बात का और उनके भी मफादात का ख्याल रखे, और उसने जल्दबाजी में जो कवानीन मंजूर किए हैं उन कवानीन को यकसर मनसूख किया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 8-9 महीने के लॉकडाउन में हिंदुस्तान की मईशत जो है उसने बहुत बड़े उस खसारे का सामना किया है, और हमारा जीडीपी एक वक्त तो जो है 29% तक सुकड़ गया था। लेकिन ये हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस दौरान भी किसानों ने जो है अपनी मेहनत को और अपनी कोशिशों को जो है तर्क नहीं किया, और उनकी पैदावार की वजह से आज हिंदुस्तान का जीडीपी जो है वो इस लायक है कि हम जो है अपने पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में खड़े हो सकें। वरना अगर किसान का भी अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसमें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, हमारी शरह नमू जो है वो यकसर जो है बैठ जाती, और हिंदुस्तान को इस जितने तारीख माशी हालात का आज सामना है उससे कहीं ज़्यादा तारीख माशी हालात का सामना करना पड़ता। और इसकी मार जो है सिर्फ किसान ही नहीं झेलता, इसके मार जो है हर हिंदुस्तानी झेलता, हर आम हिंदुस्तानी को जो है इसकी मार पड़ती, और हर घर में जो है आपको जो है इसकी तकलीफ महसूस होती। सरफराज अली साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमानों को और थोड़ा मेन स्ट्रीम मुद्दे हैं उसमें आना चाहिए, ताकि पूरे देश में जो ये किसानों को तकलीफ़ हो रही है, और जो है ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें मुसलमान बहुत कम सेलेक्टेड प्रोपोजिशन में आता है, आपको नहीं लगता है कि जो भी देश के मसले हो, जो बड़े मसले हो, उसमें मुसलमान को फुल साथ देना चाहिए? असल में किसानों का मामला ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि मुसलमान आबादी पूरे मुल्क में जो है अर्बन बेस्ड है, यानी शहरों में ज़्यादा है और देहातों में जो है मुसलमानों की आबादी कम है। इसलिए उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि देही आबादी जो है वो किस किस्म के तकलीफ से गुज़र रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो लोग सूझबूझ रखते हैं, समझबूझ रखते हैं, वो इन खतरात को महसूस नहीं करते और वो जो है इनसे बेबहरा हैं। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों का एक तबका और एक बहुत बड़ा तबका जो है वो किसानों के दर्द को महसूस करता है, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करता है, और उसको जो है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में जो उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस कंट्रीब्यूशन के लिए जो है वो हमेशा अपने आप को तैयार पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, गरीब से बात करें।